ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर। एक्सेप्टेंस मतलब इंग्लिश टर्म है, इसका जो इंडियन टर्म है वो है प्रॉमिस। हाँ, डिफाइन कहा है सेक्शन 2B में। क्या होता है, जब कोई पर्सन प्रपोजल देता है, उस प्रपोजल को हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है ना, जो हमने ऑफर किया है उसका एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉमिस कहलाता है, उसको हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। यही कह रहा है सेक्शन 2B भी, इवन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड एंड द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। भाई जो प्रपोजल किसी इंसान को किया गया था, उस प्रपोजल को सामने वाले पर्सन अपना उसमें एसेंट दे देता है, अपनी रजामंदी दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस। प्रपोजल एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सर विलियम एनसन। सर विलियम एनसन, इन्होंने कहा है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट इज लाइट एंड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। कहने का मतलब है कि इसी ऑफर का जो एक्सेप्टेंस है, इन्होंने कहा है कि एक तरह से जो होता है ना, कि एक माचिस की तीली जलाना है ना, तो ये कह रहा है कि ऑफर व्हाट इज लाइटेड मैच इज टू ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इन्हें मतलब है कि भाई एक मतलब इनका ऐसे मतलब कहने का है कि भाई एक जगह है, ट्रेन है, इसमें गन पाउडर भरा हुआ है और वहां पे हमने एक माचिस जलाया है, उसका एक्सेप्टेंस ऐसे काम करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो सिचुएशन पे वहां पर आप बाउंड बाउंड हो गए आप काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स की तरह ये काम करता है ना, माचिस की तरह काम करता है। जैसे आप तीली एक बार जला दो तो वो तीली अब आप उसको बुझा देंगे तो खत्म, कुछ नहीं बचा उसमें, है ना। एक बार जल गई तो जल गई, खत्म, उसके बाद कोई चीज नहीं बची उसमें। तो उसी तरीके से ये भी यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस काम करता है कि एक बार जब हो गया तो इसका मतलब पार्टी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हो गया, अब पार्टी जो है वहां से बैक नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल इसने वही बताया कि भाई जिस तरीके से एक माचिस को हम जलाएंगे, क्या उसको हम बैक कर सकते हैं, उसको फिर से हम माचिस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। एक बार माचिस की तीली जल गई तो जल गई, खत्म। तो उसी तरीके से जब एक बार प्रॉमिस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया किसी ऑफर का, तो वो वहां पे पार्टी बाइंड हो गई, अब वहां से पार्टी बैक नहीं हो सकती कि भैया अब हम कांटेक्ट नहीं करेंगे या एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज नहीं हो सकता। तो जो एक्सेप्टेंस है उसके तीन एसेंशियल एलिमेंट्स, हमने ऑफर में तीन पढ़ा, सॉरी ऑफर में पांच पढ़ा था, यहाँ पे तीन है। क्या क्या है, सबसे पहला कम्युनिकेशन इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर, पहला है कम्युनिकेशन, ठीक है, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट एंड अनकोडिफाइड, जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड। ठीक है, और तीसरा जो सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं, तीसरा कोरेस्पोंड विद द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल, कोरेस्पोंड विद द टर्म्स
पहला है वही एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का हमने क्या पढ़ा था? एक्सेप्टेंस जो है वो दो तरीके से कम्युनिकेट होगा, दोनों लोगों जो प्रपोजल है उसके अगेंस्ट में कब होगा, जैसे ही जो एक्सेप्टर है उसने उसको ट्रांसमिट में कर दिया, मतलब उसको चिट्ठी को डाकिया वाला डाकघर जो है उसमें डाल दिया गया है ना। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा, जब वो उसको वो चिट्ठी जो है वो प्रपोजल जो देने वाला पर्सन है उसको रीच करके। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए दोनों पार्टी को, है ना। और दोनों पार्टी को जो कम्युनिकेट कब होती है उसके लिए अलग अलग टाइम सिचुएशन दी गई, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस सबसे पहले तो कम्युनिकेट होना चाहिए, है ना। अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो फिर यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना ही नहीं, ठीक है। एक चीज बताइए आप लोग कि कहीं पर पिछला जब भी हम ऑफर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक जगह पढ़ा था कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें जो है आपका एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। कौन से थे वो कॉन्ट्रैक्ट बताइए। सर जनरल ऑफर जर्नल ऑफर करेक्ट, जो है जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम किसी को जनरल ऑफर करेंगे तो जो पार्टी उस टर्म्स एंड कंडीशन को मान के काम करना स्टार्ट कर देगी, मान लिया जाए कि उसने उसको एक्सेप्ट कर, एंड दैट नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन होगा कैसे, तो एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर मूड हमने नहीं बता रखा। सेक्शन 9 हम पढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेस फॉर्म में भी हो सकता है और इन अदर वर्ड्स मतलब इम्प्लाइड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसके आगे सेक्शन 9 भी लिख लीजिएगा और वहां पे भी सेक्शन 9 लिख लीजिएगा, मतलब ऑफर वाले में भी, कि ऑफर भी जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है। कि जैसे मैं हर्ष के पास गया और हर्ष को मैंने बोला कि ये मोबाइल मुझे बेचना, क्या कर दोगे? तुमने कहा हाँ कर देंगे, हर्ष ने कहा कर देंगे, तो ये हो गया एक्सप्रेस। और हर्ष ने कुछ कहा नहीं, उसने जितना भी पैसा मैंने बोला था वो पैसा निकाला, मेरे हाथ में रखा और मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि कम्युनिकेशन मस्ट बी, जो इसी में पॉइंट आता है कम्युनिकेशन इन यूजुअल और रीजनेबल वाले पॉइंट में, कि भाई कम्युनिकेशन जो होगा वो या तो जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसके थ्रू होना चाहिए या उसके ऑथराइज पर्सन से होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है उसके थ्रू या उसके ऑथराइज पर्सन के थ्रू तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए। अब जैसे केस है, यहाँ पे लिख लीजिए पावल वर्सेस ली, पावल POW, वर्सेस ली। होता क्या है, एक लड़का रहता है, उसके एक चचा होते हैं। तो लड़का जो है चचा से कहता है कि भैया हमको जो है वो एक आपका जो है घोड़ा खरीदना। चाचा उस टाइम को कुछ नहीं बोलते, वो अपने अस्तबल में आते हैं और जो घोड़ा वोड़ा को साफ करने वाला जो उनका सर्वेंट होता है उसको कहते हैं कि भैया ये जो घोड़ा है ना इसको रख दो, मेरा भतीजा जो है वो खरीदना चाहता है। कुछ दिन बाद जो भतीजा नहीं खरीदता है घोड़ा, चाचा केस कर देते हैं कि भैया आप घोड़ा खरीदना चाह रहे थे और आपके चक्कर में मैंने घोड़ा रखवा दिया और आप कह रहे हैं हम खरीदेंगे। लड़का कहता है कि चाचा आपने जो है वो हमारा एक्सेप्ट कहाँ किया ऑफर? अगर एक्सेप्ट तो किया था, मैंने जो है वो लड़के को जो हमारा जो काम करने वाला उसको बोल देता कि ये घोड़ा तुम्हारे लिए रख दे, अरे इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता चला। तो कोर्ट वही कहता है, भाई आप जो कम्युनिकेट करोगे एक्सेप्टेंस
वो उस पर्सन को करोगे जिस पर्सन ने आपको ऑफर किया, ठीक है, या आप अपने ऑथराइज एजेंट के थ्रू उसको करोगे, या तो आप डायरेक्ट करोगे या तो किसी के थ्रू करोगे। आपने क्या कि किसी पर्सन को बोल दिया, थर्ड पर्सन को, एक्स वाई जेड को, लेकिन ना ही उसने कम्युनिकेट किया उसको, ना ही आपने कम्युनिकेट किया उसको। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑफर का एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और यहाँ पे कोई लाइबिलिटी नहीं आती, ठीक है। सर, ये पॉल वर्सेस ली वाला केस तो आई थिंक स्कूल से रिलेटेड था, जिसमें कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था और वो रेजोल्यूशन कम्युनिकेट नहीं हुआ था। नहीं, सही सही कह रहे, ये केस जो है ठीक कह रहे हो। ये पावल वर्सेस ली जो है, इसमें जो है स्कूल वाला नहीं होता, जहां तक मेरा ख्याल है इंटरव्यू वाला केस होता है, ठीक। उसमें इंटरव्यू होता है सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए जो है इसमें जो टीम होती है सिलेक्शन वाली, वो उस पर्सन को बता देती है कि भैया आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, बट रिजल्ट नहीं निकलता, ठीक है। पावल वर्सेस ली वाला जो, सॉरी पहले इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, फेल्ट हाउस वर्सेस, सॉरी फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, ये वाला जो घोड़े वाला केस था वो ये। पावल वर्सेस ली में क्या होता है कि भाई वही इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो देता है इंटरव्यू, एंड देन उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है और बाकी लोगों में ये बातें हो जाती है, और लोग उसका उसी में से टीम में से एक बन जाकर उसको बता देता है कि तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो जो स्कूल होता है वो क्या करता है, वो सिलेक्शन प्रोसेस ही कैंसिल कर देता है कि भैया हम सीट वीट के लिए सिलेक्शन नहीं दे। सच तो कोर्ट में जाकर केस करता है कि भैया हमको तो पता चल गया था कि भाई हम सेलेक्ट हो गए हैं। तो वही कहता है कि भैया आप जो सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है सिलेक्शन की, वो आपको अथॉरिटी से नहीं मिली, आपके जो भी जानने वाले वहां पे टीम वगैरह में थे, कमिटी में थे, उनसे मिली है, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये वाला केस था। ठीक है, हाँ, कम्युनिकेशन फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन इज नो कम्युनिकेशन इन द आई ऑफर। तब वहां पे जो इंटरव्यू में लोग होते हैं वो लोग ऑथराइज पर्सन नहीं होते, बेसिकली कहने का मतलब है उनके थ्रू आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है साइड से, तो दैट मीन दैट इज नॉट एन ऑफर, सॉरी एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर, बेसिकली, ठीक है। पावल वर्सेस ली, और जो घोड़े वाला मैंने बताया वो फेल्ट हाउस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिल्डिंग, तो उन्हें एक साथ लिखा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। देन कार्लिल वर्सेस, इसमें वो भी वाला केस आएगा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉग बॉल कंपनी, जो मैंने आपको तो पिछले वाले इसमें पढ़ाया था, कि सिंपल सी बात है भाई कि जनरल ऑफर में कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरल ऑफर में क्या होगा कि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को मान के चलने लगेंगे, काम करने लगेंगे उस पर, दैट मीन्स आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो ऑफर जो है कम्युनिकेट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं सेक्शन 8, ठीक है, जो सेक्शन 8 कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद ए प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। कहने का मतलब ये है कि हमको कोई कंडीशन के साथ बोला गया कि आपको ये काम करना है, और वो काम जनरल पब्लिक के लिए कहा गया, वही वाली बात कि भाई कोई भी इंसान जो है वो मेरे बच्चे को कोच के ले आएगा, तो इसको हम 6,000 रुपये इनाम देंगे, ठीक है। तो अब जो है हम उस चीज को सुन के, और हम ये सोच के कि भाई हम बच्चे को कोच के ले आएंगे और हमको इनाम मिलेगा, और फिर हम बच्चे को कोच नहीं जाते, दैट मीन्स हमने ऑप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और इसका कम्युनिकेशन जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन एक वही काम हमने क्या सुना, एक केस हमने पढ़ा था क्या, लक्ष्मी लक्ष्मी क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का है ना, उसमें वो क्या गड़बड़ी करता है, ऑफर को नहीं सुनता है, ऑफर को बिना सुने ही वो चला जाता है बच्चे को खोजने, और जब बच्चे को खोज के ले आ जाता है तब उसको जो है ऑफर के बारे में पता चलता है। तो क्या होता है, यहाँ पे ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं होता है, तो उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उसको इनाम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हुई,
जस्ट एक मिनट, हाँ एक मिनट। चलिए 2 मिनट आप लोग वेट करिए एक्चुअली, है ना। मैं आप लोगों को ये करता हूँ, एक छोटा सा काम है, 2 मिनट बस वेट करिए, जब तक चीजों को रिवाइज करिए। 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ तो चलिए पढ़ते हैं आगे हम लोग। तो 2 केसेस समझ में आ गए, ये वाले पावेल वर्सेस ली और दूसरा फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग ने एक चीज और समझा, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, स्मोक बॉल कंपनी वाले केस में कि भाई जो जनरल ऑफर होगा उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। हाँ फिर उसको सवाल है? हाँ सर, ये एक और केस आता है ना सर, बोल्टन वर्सेस जॉन्स। पोर्टर वर्सेस जॉन। हाँ 1875 जी, के आसपास चलो देख लेंगे उसको। पोर्टर वर्सेस इतना केस है यार, वो याद ही नहीं रहता क्या क्या। ठीक है फिर उसको भी देख लेंगे, है ना। ये तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो चीजें याद है, मतलब केसेस तो बहुत है कॉन्क्रीट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसमें? पहला पॉइंट पढ़ा कि भाई कम्युनिकेशन इसका जरूरी है ना, यूजुअल और रीजनेबल मैनर में। मतलब एक इसमें एक और भी बात है कि भाई जो भी टाइम लिमिट सारी कही गई है उस हिसाब में हो जाना चाहिए। मैंने जैसे किसी को मैसेज किया और बोला कि भैया 10 दिन में बता देना कि आपको ये ऑफर लेना है कि नहीं, तो वो 10 दिन में मुझे बता दे। ऐसा नहीं कि 11वें दिन आके मुझे कह रहे कि हाँ, मुझे आपका जो है ऑफर एक्सेप्ट करना, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकोडिफाइड। एब्सोल्यूट और अनकोडिफाइड का क्या मतलब होता है? इस पॉइंट का मतलब है एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का कि एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस में अगर वेरिएशन होती है कंडीशन होती है तो वो काउंटर ऑफर होगा। हाँ करेक्ट। पहले वही कि एब्सोल्यूट का कहने का मतलब यहाँ पे है कि पूरा का पूरा एक तरह से है ना, कि भाई जितनी भी चीजें आपने कही है उन सारी चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कि मैंने कहा भाई कि मुझे अपना मोबाइल 10,000 रुपये में बेचना है, और जो खरीदेगा उस वो 10,000 रुपये के साथ साथ मुझे एक 200 रुपये की पेन भी देगा, ठीक है? तो मतलब 10,000 रुपये प्लस 200 रुपये की पेन, तब हम अपना मोबाइल किसी को देंगे। अब आप आए बोले कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ 10,000 देंगे, 200 रुपये वाली पेन आपको नहीं देंगे, तो वो एब्सोल्यूट नहीं हो, ठीक है? कहने का मतलब कि जो हमने ऑफर रखा था वो पूरा का पूरा एज इट इज आपने वैसा एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा कि आप अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब कि आप वहां पे कोई कंडीशन ना डालते कि भाई तुम ऐसा करोगे तभी हम तुम्हारा मोबाइल जो है वो कर देंगे, है ना? तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए आपका। और जो भी कंडीशन मैंने रखी है उस कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई टाइम लिमिट, मैंने जैसे कि मैंने भी बताया था कि कोई टाइम लिमिट अगर आपने रख रखी है कि भैया ऑफर इतने दिन में ही के लिए ही वैलिड है। एक होता है ना जैसे कि आप लोग देखते होंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कि दिवाली सेल है। अब दिवाली सेल आया और अमेजोन वाले ने कहा कि भैया हम 50 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं, ठीक है? आपने उस टाइम उसको कुछ नहीं करा, अब वो सेल खत्म हो गई तो क्या उस सामान को उतने रुपए में आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे वही है कि जितने टाइम लिमिट में उसको एक्सेप्ट करने का मौका सामने वाले ने आपको दिया है, आपको उतने ही टाइम लिमिट में उसको खरीदना है। अगर आपने खरीदा नहीं वो चीज, या वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया उस ऑफर को, तो फिर आप उस मौके को खो देंगे, यू विल लूज द लाइक अपॉर्चुनिटी बेसिकली, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने वही बताया था काउंटर ऑफर वाला, कि एक्सेप्टेंस में आप काउंटर ऑफर कर सकते हैं, है ना? क्रॉस ऑफर तो उधर चला जाता है, काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस वाले में आ जाता है कि भैया किसी ने कहा कि हमको 10 रुपये का सामान बेचना है, आपने कहा कि हम 10 रुपये में नहीं हम 8 रुपये में कर देंगे, तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। और अगर आपने काउंटर ऑफर कर दिया तो दैट मीन्स आपने अब जो सामने वाले का ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप बाद में नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भैया हमको उतने में दे दो, आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो काम खत्म। अब सामने वाले के ऊपर है कि आपने जो ऑफर किया उसको एक्सेप्ट करे कि नहीं, ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस था, शायद हाइडी वर्सेस, इस एक तो मैं जो बुक लेके बैठा हूँ इसमें बहुत सारी केस शॉर्ट में लिखी। तो एक केस था जिसमें जो है वो एक इंसान पहले फोन करता है या चिट्ठी लिखता है एक इंसान को, बोलता है कि ये सामान जो है मुझे आपको आपका खरीदना है, आप कितने में बेचोगे? तो एक प्राइस बताता है। चलिए वो केस का नाम मैं देखता हूँ, एक सेकंड वेट करिए, कहाँ है वो? तो मेरी बुक में आज लेके नहीं बैठा हूँ यार, एक सेकंड। तो इसमें एक केस है, वो केस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को लिखवाना है। तो ये शॉर्ट नोट्स वाली बुक में जो है वो मेरे नोट्स में नहीं है। तो उस केस में बेसिकली क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और केस का नाम भी आपको बता देता हूँ। बंडल हो गया था, फाइल भी हो गया था।
वही वाला हाइडी वर्सेस, लिख लीजिए यहाँ पे केस, जो दूसरा वाला है एब्सोल्यूट एंड अनकोडिफाइड जो है ना, इसमें केस है, लिख लीजिए यही वाला है नाम, हाइडी वर्सेस रेंज, ठीक है। केस ईयर है 1840 का, ठीक है। देखिए इस केस में होता क्या, ए ऑफर करता है बी को कि भैया हमको जो है फार्म अपना सेल करना है 1000 पाउंड में, 1000 पाउंड में अपना जो फार्म है उसको सेल करना चाहते हैं। बी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि भैया हम जो है 950 में इसको खरीदेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, बी जो है थोड़ी देर बाद कहता है कि ठीक है हम जो है वो 1000 में आपका घर ले लेंगे, ठीक है। ए जो है अब एग्री नहीं करता है, जैसे होता ना कि आप दुकान में जाते हैं, दुकान में बोलता है कि भैया कितने का सामान, तो कहता है 1000 रुपये, कहता 800 में दोगे, कहता है नहीं। फिर आप कहते हैं अच्छा ठीक है चलो 1000 रुपये में दे दे। सो नाउ अब सामने वाला जो पर्सन है वो मना कर देता है कि भैया हम 1000 रुपये में अब नहीं देंगे, तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसने जो पहले ऑफर किया था कि हम 1000 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, वो ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने उसको काउंटर ऑफर कर दिया, कितने का, 800 रुपये का। तो जब आपने किसी को काउंटर ऑफर कर दिया तो उसका पहले वाला ऑफर रिजेक्ट हो गया। आप फिर दोबारा से वो ऑफर कर रहे हो उसको कि आप 1000 रुपये में दे दो, तो ये जो है एक फ्रेश ऑफर है, एंड देन ये जो है सामने वाला पर्सन इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में यही हुआ, उसने पहले कहा कि भैया हमको 1000 रुपये में जो है वो बेचना है, आपने कहा कि हम 1000 रुपये में नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 950 पाउंड में। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद आप जो है कहते हो कि भैया चलो ठीक है 1000 रुपये में हमको दे दो, हम 1000 रुपये में खरीद लेंगे। नाउ सामने वाला पर्सन कहता है कि अब हम नहीं बेचेंगे, ठीक है। कोर्ट में चला जाता है कि भैया ये 1000 रुपये मुझे दे रहा था, मैंने 1000 रुपये में एक्सेप्ट किया, तो क्यों नहीं होगा। तो कोर्ट कहता है कि भाई जब पहले उसने 1000 रुपये में आपको कहा था तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए जो पहला ओरिजिनल ऑफर था वो खत्म हो गया। अब जब आप 1000 रुपये में मांग रहे हो तो अब आप ऑफर कर रहे हो, एंड देन इट इज हिम नाउ कि भाई उसकी ये के ऊपर ऑप्शन है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, और उसने रिजेक्ट कर दिया तो खत्म, ऑफर हुआ ही नहीं कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है, तो ये केस था, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जितने बहुत केसेस बहुत हैं कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, बहुत सारे केसेस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बट जितने जितना लिखा रहा हूँ बस उतना ही आप लोगों को ध्यान रखना। हाँ बिलाल, कोई सवाल है? यदि एक पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को घोड़ा बेचा, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया दोनों का भी, और घोड़ा उसको देते देते या फिर उसके पास हैंडओवर करते करते बीच में कहीं मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा सर? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अब हम लोग उसमें पढ़ेंगे आगे, कॉन्ट्रैक्ट में टर्म है वो कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले ही अगर फ्रस्ट्रेट हो गया है ना, तो फिर वहां पे पार्टी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो जैसे कि अभी हम लोग और भी बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि एक मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, ठीक है। अब मैंने किसी पार्टी में कहा कि मैं वहां पे गाना गाऊंगा, अब जिस दिन मुझे गाना गाना था उस दिन या तो उस हॉल में आग लग गई या मेरी मौत हो गई, तो ऑब्वियस बात है अब मुझे लायबल तो नहीं किया जा सकता ना कि भैया आप गाना गाओ, मेरी लाश के ऊपर चढ़ के मुझे तो नहीं बोलेंगे कि गाना गाओ, या फिर वो जो जिस हॉल ने मुझे गाना ही गाना था वो हॉल ही जल गया, तो मैं कहाँ जले हुए हॉल में तो गाना नहीं गाऊंगा। सो जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेस करता है वही अगर खत्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो टर्म है। तो उसमें क्या होता है कि फिर कोई भी पार्टी लायबल नहीं होती है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के, ठीक है। अब हालांकि ये हो सकता है, जैसे तुमने अभी सिचुएशन दी कि भैया घोड़ा था, घोड़ा जिस दिन डिलीवर करना था उस दिन जो है वो मर गया घोड़ा, तो अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने पैसा दे दिया होगा घोड़ा का, तो उसका वो पैसा उसको रिटर्न करना होगा। ऐसा नहीं हो कि भैया घोड़ा मर गया था हम पैसा क्यों आपका वापस करें, उसको पैसा रिटर्न करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ चीज़ें? फ्रस्ट्रेशन यस सर, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो आता है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कि भैया जो है कॉन्ट्रैक्ट वो एब्सोल्यूट और अनकॉडिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई क्रॉस ऑफर सामने से करते हैं और फिर जो है बाद में बोले कि अच्छा, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखी थी उस पर हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तीसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल, भाई जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने रखी है उसी के हिसाब से चीजों का
होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर दिया है ना, और फिर जो है वो आप उसको मान रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड इसमें एक और पॉइंट लास्ट में है, 4 नंबर, कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन द ऑफर इज स्टिल सब्सिस्ट, ठीक है। मतलब जब तक ऑफर जो है सब्सिस्ट कर रहा है, सब्सिस्टिंग है, तभी जो है आपका एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। जैसे कि वही एग्जांपल मैंने बताया ना, कि अगर किसी ने ऑफर किया है, कहा है कि 10 दिन में किसी को ये ऑफर एक्सेप्ट करना, तो आपको 10 दिन में ही करना। अगर 11वां दिन हो गया और फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो फिर ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। या फिर मैंने ऑफर ही रिवोक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा, उसको हम 5,000 का इनाम देंगे। फिर मुझे पता चला कि भाई मेरा बच्चा हो सकता है यहीं आसपास खेलने को, या 5,000 का इनाम बहुत ज्यादा है, काम कर इसको 500 कर देते हैं। तो मैंने दूसरे दिन ही बोला कि अब जो मेरे बच्चे को खेला गया उसको हम 500 रुपया का इनाम देंगे। तो कोई इंसान जो है दूसरे दिन मेरे बच्चे को खोज के लाता है, तो मुझसे 500 नहीं मांगेगा, सॉरी 5,000 नहीं मांगेगा, उसको कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने अपने पुराने वाले ऑफर को चेंज कर दिया, अब वो सब्सिस्ट नहीं करता, अब नया वाला ऑफर सब्सिस्ट करता है। तो जो नए वाले ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, नए वाले ऑफर के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसको नए वाले ऑफर के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखिए, हम लोग इसी में चीज पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, है ना, कम्युनिकेशन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल में हमने दो सेक्शन देखा था, एक सेक्शन 3 देखा था, एक सेक्शन 4 देखा था, कि भैया कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन बोलता है कि भैया एक्ट ऑफ या ओमिशन ऑफ द पार्टीज से होगा, और उसका रिवोकेशन भी एक्ट एंड ओमिशन से होगा, एंड प्लस कम्युनिकेशन कब कब कंप्लीट होगा, वो सेक्शन 4 कहता है। लेकिन इसके बाद हमारे कुछ और भी सेक्शन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक तो हमने कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, कि भाई हम चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हम चीजों को रिवोक करना चाहते हैं, ये कह रहा है कि कैसे होगा। लेकिन एक पॉइंट आता है कि रिवोकेशन कब हो सकता है, क्या कोई ऑफर सामने वाले पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसके बाद आप उसको रिवोक कर सकते हैं? हाँ, मैंने बोला कि भाई मुझे अपना मोबाइल बेचना है, कि सामने वाले ने कहा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ जितने भी दाम आपने कहा उतने में, अब उसके बाद मैं कहूँ कि भाई मैं मुझे अपना मोबाइल नहीं बेचना, तो क्या ये रिवोक हो सकता है, बताइए। सर उसकी नॉलेज में आ गया है तो रिवोक हो सकता है। रिवोक नहीं हो सकता ना, फिर उसकी नॉलेज में आ गया था। अगर मुझे सामने वाले, जैसे हर्ष, तुम्हारी और मेरी ही बात करती, कि मैंने हर्ष को कहा कि भाई मुझे अपना घोड़ा बेचना, हर्ष ने कहा काशिफ सर जितना में आप बेच रहे हैं, 10,000 20,000 जो भी मैंने दाम रखा है, उसने में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो चीज मेरे नॉलेज में आ गई। हम लोगों की बात फोन पे ही हो रही है, एकदम सिंपल रखते हैं इसको, नॉलेज में आ गई। अब मुझे कल जो है वो आपको हर्ष को जाके घोड़ा अपना देना था, और हर्ष से 15,000 रुपये लेने। अब मैं कल गया हूँ और कल जाके हर्ष कह रहा है कि भाई मुझे जो है वो घोड़ा नहीं खरीदना है, मुझे कहीं और घोड़ा पसंद आ गया, तो क्या मैं हर्ष का जो बात है उससे मान लूं कि जो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ था वो रिवोक हो गया, मतलब वो एप्लीकेबल होगा वहां पे, या फिर मैं हर्ष के खिलाफ कल जाके केस कर सकता हूँ कि नहीं भाई इसने एक्सेप्ट किया था और आज देखिए मना कर रहा है, क्या होगा? नहीं हो सकता सर, वो मतलब दूसरे बंदे के एक्सेप्टेंस से पहले अगर आप उसको रिवोक करेंगे तो कर सकते हैं, वरना नहीं। करेक्ट करेक्ट सचिन, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। कहने का मतलब ये है कि जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो उसका रिवोकेशन भी उसके होने से पहले होना चाहिए। अगर वो उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, जो भी उन्होंने सेक्शन 3 एंड 4 में पढ़ा, तो फिर उसके बाद रिवोकेशन नहीं हो सकता। वही बात ये जो है सेक्शन 5 हमारा कह रहा है। मतलब सेक्शन 5 स्पेशली क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट व्हेन एन ऑफर और व्हेन एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक, इसकी बात करता है ये बेसिकली। क्या कह रहा है कि प्रपोजल में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट ऑफ आफ्टरवर्ड। जो ऑफर है, जो प्रपोजल हमने किया है, वो कब कंप्लीट, कब रिवोक हो सकता है,
एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, ठीक है, नहीं ए प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेन द प्रपोजल। कहने का मतलब यह है कि इसको समझने के लिए हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है अगेंस्ट द प्रपोजल वो कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टर हमारा एक्सेप्टेंस का जो लेटर है वो ट्रांसमिट कर दे। यही तो पढ़ा था हमने यहाँ पे सेक्शन 4 में, यही पढ़ा था कि भाई जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन में डाला है उसने लेटर को एक्सेप्टेंस का, उससे पहले पहले तक आदमी अपना प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने किसी को एक लेटर भेजा है ना, भाई मैं अपना घोड़ा उसको बेचना चाहता, अब उसका अब मेरा लेटर उसके पास पड़ा हुआ है, उसने अभी रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो कोई लेटर लिखा भी नहीं है मुझे, मेरा लेटर उसके पास पड़ा हुआ और मैंने उसको कहा कि 10 दिन में भैया जवाब जो है वो अपना दे दे। फिर मैंने कहा कि यार जो घोड़ा जो मैं बेच रहा हूँ बड़े सस्ते में, मैंने उसको कह दिया है 10,000 रुपये मैंने समझ लिया दाम लगाया था, तो मैंने कहा यार मेरे घोड़े तो कम से कम 20,000 रुपये का है, और मैंने उसको 10,000 रुपये में लिख के भेज दिया, अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मुझे 10,000 रुपये में उसको घोड़ा देना पड़ेगा, तो काम करते हैं इसको हम रिवोक कर देते हैं। तो सामने वाले पर्सन ने मान लीजिए चिट्ठी भी लिख ली मेरे रिप्लाई की एक्सेप्टेंस की, लेकिन उसको उसने ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला, रखे हुआ है अपने पास, अभी 10 दिन हुआ नहीं, और 10 दिन होने से पहले पहले मैंने एक रिवोकेशन के लेटर उसको भेज दिया कि भाई जो मैंने तुम्हें ऑफर किया था ना वो मैं कैंसिल करता हूँ, रिवोक करता हूँ, मैं अपना घोड़ा 10,000 में तुम्हें नहीं बेचूंगा, और वो चीज उसके जो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी है उसको पोस्ट करने से पहले अगर उसके पास पहुंच गई तो हमारा ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। कहने का मतलब अगर उस चिट्ठी को पहुंचने में लेट हो गया और उसने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया पोस्ट में है ना, तो फिर क्या होगा, मेरा ऑफर अब कंप्लीट, अब वो उसको हम रिवोक नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट। कहने का मतलब मेरे अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टर। अब जो सामने वाले पर्सन है यही कि ए ने बी को ऑफर किया था, ठीक है, तो बी के जो जो एक्सेप्टेंस की चिट्ठी है इसके डालने से पहले इसको अपना ऑफर को रिवोक करना पड़ेगा, ठीक है, और ये कह रहा है कि इसको जो अपना एक्सेप्टेंस इसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा घोड़ा 10,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, इसका चिट्ठी इसने इसको जो भेज दिया है इसको कब इसको वो चीज इस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, इसके इस एक्सेप्टेंस की चिट्ठी के इसके नॉलेज में पहुंचने से पहले, क्योंकि अगर ये इसकी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी ए के नॉलेज में पहुंच गई तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पे एग्रीमेंट भी हो जाएगा दोनों पार्टी के बीच। तो ये कह रहा है कि भैया एक्सेप्टेंस जो सामने वाले को का जो इंफॉर्मेशन है वो सामने वाले की नॉलेज में पहुंचने से पहले जो है आपको एक्सेप्टेंस को रिवोक करना पड़ेगा, अगर आपने उससे पहले नहीं किया तो फिर मामला खत्म, उसके बाद आप नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं ना, इलस्ट्रेशन और अच्छे समझना। कह रहे ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हॉर्स टू बी, बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टर। मतलब कि बी जो पर्सन है हमारा उसके एक्सेप्टेंस के लेटर भेजने से पहले पहले तक ए के पास ये राइट है कि वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है, अगर बी ने अपना लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का तो उसके बाद ए जो है अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रपोजल अब एक्सेप्टेड माना जाएगा उसके अगेंस्ट में। और दूसरा कह रहा है कि बी मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट द टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटेड इट इट रीच टू ए बट नॉट आफ्टरवर्ड।
बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर ए को भेजा कि भाई हम तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहते हैं। अब उसको बाद में ध्यान आया कि यार मैंने तो बड़े महंगे में इसका घोड़ा खरीदना हो, ये घोड़ा तो 5,000 रुपए का भी नहीं। तो ये अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन भेजता है एक्सेप्टेंस का। तो ये अगर पहले पहुंच गया एक्सेप्टेंस के लेटर से तो वो एक्सेप्टेंस रिवोक मानी जाएगी। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंच गया और सामने वाले पर्सन ने खोल लिया, उसको पढ़ लिया, तो उस सिचुएशन पे रिवोकेशन नहीं हो पाएगा। अब वहां पे एग्रीमेंट कंप्लीट। बात समझ में आ रही? ठीक है, यस सर, ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड लास्ट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया कि कम्युनिकेशन एक नोटिस के जरिए आप कर सकते हैं। सामने वाले को आपने नोटिस दे दिया कि भैया जो ऑफर हमने किया था वो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है, प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल फॉर इज एक्सेप्टेंस एंड इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई अगर आपने किसी दिन, मतलब कैसे एक प्रपोजल रिवोक हो सकता है इसकी हम बात कर रहे हैं। प्रपोजल जो है वो कैसे रिवोक हो सकता है, एक हमने किसी को ऑफर किया कि भैया हमको अपना मोबाइल बेचना है, तो उसको हम ऑफर को कैसे खत्म कर सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं सेक्शन 6 में। पहला कह रहा है कि नोटिस दे के सामने कि भैया उसको कह दें हम कि भाई हमने जो आपको ऑफर किया था वो हम उसको रिवोक कर रहे हैं, हम उसको अब अपना सामान हमको नहीं बेचना है, खत्म करते हैं। दूसरा है लैप्स ऑफ टाइम, कि सामने वाले को कहा कि आपको 10 दिन के अंदर में मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है, 10 दिन पार हो गया, वो इंसान ने कोई उसका जवाब नहीं दिया, या फिर मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स की थी, तो एक रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होगा ये कोर्ट ने ही भी नहीं बताया, हर चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अपना सेब बेचना है, फल फ्रूट्स, और किसी को मैंने मैसेज किया कि भैया तुमको मेरा पूरे बागान का फ्रूट्स खरीदना है, तो जो है वो इतना 1,000 रुपये में मैं बेचूंगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया पूरे बागान का फ्रूट्स में बेचूंगा। अब वो जो है एक्सेप्ट कर रहा है 2 महीने बाद आके, भाई हाँ हाँ हमको खरीदना है तुम्हारे मकान का, तुम्हारे वो बागान का फ्रूट्स 2 लाख रुपए में। तो क्या ये रिजनेबल टाइम है? नहीं है भैया, 2 महीने बाद तो फ्रूट्स सड़ के गल के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये जो प्रिस्क्राइब टाइम है ये डिपेंड करेगा, है ना, कि क्या चीज हो रही, किस चीज का कांटेक्ट हो रहा है ना। अगर वो टाइम लिमिट लैप्स कर जाता है तो फिर जो ऑफर है वो रिवोक मान लिया जाएगा। तीसरा है बाई फेलियर टू एक्सेप्ट द फुलफिल ए कंडीशन प्रिसिडेंट टू एक्सेप्ट, जो कंडीशन हमने लगा के रखी है उस कंडीशन पे आप जो है ऑफर को एक्सेप्ट करने में फेल हो गए। ठीक है, चौथा कह रहा है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, और इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एक बिलाल को एक बात बताया कि मुझे अगर मान लीजिए या कोई ए पर्सन है उसको कहीं गाना गाना है, और जहां गाना गाना था वो हॉल ही जल गया या उस पर्सन की डेथ हो गई, तो इस सिचुएशन में जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस जो मेनली जाके वहां पे काम करता वही खत्म हो गया, तो इसलिए पार्टी लायबल नहीं कर सकती, चाहे ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तब भी। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे पार्टी जो है किसी दूसरे से उसका काम वो लीगल हेयर कर सकते हैं, तो वहां पे लीगल हेयर की लायबिलिटी आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक गोडाउन है, ठीक है, मेरा एक गोडाउन है, उस गोडाउन में मैंने एक पर्सन को कहा कि हम यहाँ से आपको, पर्सन बी है, 100 बोरी ऑफ राइस आपको दें। अब ये 100 बोरी ऑफ राइस देने से पहले मेरी डेथ हो जाती, ठीक है, या मैं इंसेन हो जाता, तो इस चीज का इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे बी को पहुंच जाता है तो यहाँ पर वो चीज खत्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज का इंफॉर्मेशन उसको नहीं पहुंचता है और वो इस 100 बोरी वाले जो ऑफर है मेरे की, इतने रुपए में खरीदा, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो मेरे मरने के बाद जो मेरे लीगल हेयर हैं उनसे वो ऑफर को कंप्लीट करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई इस चीज को, क्योंकि भाई वो गोडाउन अब ऐसा खाली थोड़ी रहेगा, कोई लीगल हेयर उसके होंगे जो उसको चलाएंगे आगे कंटिन्यू करें, तो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो मेरी ही पर्सनल
कैपेसिटी से होना है। जैसे कि मुझे गाना गाना था कहीं पर जाके, तो भाई मेरे गाना गाने की जगह पे मेरे लीगल हेयर, मेरे बच्चे जो हैं वो जाके तो गाना नहीं गा सकते, तो वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा ऑफर, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो मेरी जगह पे कोई दूसरे भी कर सकते हैं, तो उसका डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, और उससे पहले उसकी डेथ की इंफॉर्मेशन, इंसेनिटी की इंफॉर्मेशन पहले पहुंच गई एक्सेप्टेंस से या नहीं पहले पहुंच गई। तो अगर वो इंसान की डेथ की और इंसेनिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो कम टू द नॉलेज और एक्सेप्टर हो जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे ऑफर रिवोक हो जाएगा, अदरवाइज ऑफर को फिर वो उनके लीगल हेयर से कंप्लीट करवा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, जो ये वाला पॉइंट सेक्शन 7 आप वहां पे ऊपर में लिख लीजिएगा, ये जो मैंने कंडीशन बताए हैं है ना, इसमें ये जो मैंने कंडीशन बताया था एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसके सामने सेक्शन 7 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए लिखना है क्योंकि ये सपोर्टिंग सेक्शन हैं। सपोर्टिंग सेक्शन क्या करते हैं आपके, हेल्प करते हैं आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाने, ठीक है। तो जब आप चीजों के सामने उसका वो लिखेंगे, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। फिर वही बात मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस बाय द परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन, तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, वही वाला जनरल ऑफर वाली की बात हो रही कि भाई आपने कोई कंडीशन लगाया, सामने वाले ने उस कंडीशन को माना और उसके हिसाब से काम करने लगा, तो दैट इज वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया, उसका कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। एंड द लास्ट की वही प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो सामने वाला पर्सन जो है वो कोई भी प्रपोजल कर रहा है, कोई एक्सेप्टेंस कर रहा है, तो वो कैसे हो सकता है, बाय वर्ड हो सकता है, ठीक है, सेड और एक्सप्रेस, सेड टू एक्सप्रेस, और बाय एनी अदरवाइज, मतलब कि इम्प्लाइडली हो सकता है, ठीक है। तो जो हम ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, वो हम एक्सप्रेसली भी दे सकते हैं, इम्प्लाइडली भी दे सकते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सप्रेसली भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक आज रखते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है हम लोग की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंसीडरेशन, ठीक है। कंसीडरेशन क्या एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीजें उसको देखेंगे। देन उसमें एक पॉइंट है पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका पीवीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो क्या एक्सेप्शन है और कंसीडरेशन का क्या एक्सेप्शन है। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या अगर कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो कम है, मान लीजिए मैं अपना घोड़ा कह रहा हूँ कि मैं 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड होगा, एक ऐसे सवाल बनते हैं। फिर क्या मैं कहूंगा कि जो भाई कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे बिना कंसिडरेशन के काम होता है, तो क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड होंगे, तो वो भी नहीं होंगे, उसमें भी कुछ सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हालांकि ये दो सवाल जो है आप लोग अगर अपने से चेक करके आएंगे कल तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या जो है कंसिडरेशन अमाउंट जो है इनएडिक्वेट है, कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरीके से इफेक्ट करेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के हो सकता है, ठीक है। तो ये दो सवाल है, इनका जवाब आप लोगों को कल ढूंढ के लाना, ठीक है। कल बाकी की चीजों को हम लोग करें। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो आप लोग।